हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो अपलोड हैं उनकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस बेल आइकन यानी कि इस घंटी को आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। दुनिया की कुछ अजीबोगरीब जगह है जहाँ हर कोई चाहेगा रहना। अगर इंसान को रहने के लिए आसरा बनाना हो तो वह कहीं भी अपने सपनों का घर बना लेगा। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ अजीबोगरीब जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ प्राकृतिक और इंसान के बीच के रिश्तों को दिखलाती है बल्कि उनके बारे में जानकर यह विश्वास भी हो जाएगा कि इंसान किसी भी जगह को अपने रहने के ठिकाने में तब्दील कर सकता है। रोसानू माउंटेन ग्रीस के थेसले इलाके में खंभुनुमा खड़ी पहाड़ी पर मौजूद ये रोसानू माउंटेन 1545 में इसका दोबारा निर्माण कराया गया। इसे दो भाइयों मैक्सिमोस और लूप्स ने मिलकर बनाया। इसमें चर्च, गेस्ट क्वार्टर, रिसेल हॉल और डिस्ले हॉल समेत रहने की व्यवस्था है। हैंगिंग मॉनेस्ट्री सीन पहाड़ के किनारे पर हवा में झूलते इन मकानों को हैंगिंग मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास से गोल्ड ड्रैगन नदी होकर गुजरती है इसलिए इसे जमीन की बहुत ऊंचाई पर बना है ताकि बाढ़ से इसे नुकसान ना पहुंच सके। एस्टेनल डी लास बोरे ग्रास नाम के इस शहर में लगभग 3000 लोगों की आबादी है और इसे देखकर यकीन नहीं होगा ताकि पूरा का पूरा शहर पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है। एक छोटा सा शहर कैजिंग प्रांत उत्तर पूर्व में लगभग 157 किलोमीटर दूर स्थित है। अल हजरा यमन के हजारों पहाड़ों पर सबसे ऊंचाई पर यह बसा एक दीवारों का शहर है जिसे अल हजरा के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास अनिश्चित तौर पर बहुत प्राचीन है। दीवार जैसे दिखने वाली इन कई मंजिला मकानों का समय समय पर पुनर्निर्माण होता रहा है। कम्पादोकिया तुर्की के प्राचीन अनाटोलिया प्रांत में मौजूद एक खूबसूरत जगह निश्चित तौर पर इंसानों के सबसे पुराने ठिकानों में से एक होगी। कम्पादोकिया को देखकर पता चलता है कि मानव विकास किस क्रम से आगे बढ़ा। यहाँ मौजूद ईसा पूर्व 6वीं सदी के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ये पारसी साम्राज्य का सबसे पुराना प्रांत रहा है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। पोंटे पिक्यो इटली फिर इटली के रोंडे शहर में ये यादगार पुलों में से एक है जिसे पोंटो वेक्यो यानी पुरानी ब्रिज अंग्रेजी में अल्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये आर्दो नदी पर बना है। उस समय के बाद इस पुल पर मकान और दुकानें बन गई जो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। मतमाला दक्षिण ट्यूनिशिया से 335 किलोमीटर दूर बसा है। ये अफ्रीका के खाना बदोश जनजाति का छोटा सा ठिकाना है। इस गांव के बने मकान जमीन के गड्ढे खोदकर बनाए गए हैं जो बिल्कुल मानव निर्मित गुफाओं जैसे दिखती है। सी लैंड यह जगह रहने के लिए बेहद ही अजीबोगरीब है जिसे कुछ ऐसे देश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समुद्र में जिस जगह पर ये घर बना है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं। कासा दो पेनेडो पुर्तगाल में फेप पहाड़ी में बने इस शहर बेहद नायाब है। इसका निर्माण 1974 में एक इंजीनियर ने किया था।
इसे स्टोन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये घर चार बिल्डरों से मिलकर बना है। दरवाजे खिड़की और छत को छोड़ दिया जाए तो ये घर पत्थरों से बना है।